प्रविष्टियां होती हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ हम नरेशन इसके लिए लिख देंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ ₹10 फॉर 2000 डिबेंचर्स, 2000 ऋण पत्रों के लिए ₹10 प्रति ऋण पत्र की दर से एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुई। और क्योंकि 2000 ऋण पत्र है, एक ऋण पत्र पे ₹10 प्राप्त हुए, यानी कि 20,000 से इसकी हम अमाउंट लिख देंगे। सेकेंड, ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन की जो अमाउंट है उसको हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री होगी 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट, और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, और क्योंकि 20,000 हमको रिसीव हुआ था तो 20,000 को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। थर्ड एंट्री हमारी होगी अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट की पहले ड्यू की एंट्री और फिर रिसीव की एंट्री होगी। तो ड्यू की एंट्री यहाँ पर होगी 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट, और यहाँ हम नरेशन लिखेंगे बिंग अलॉटमेंट ड्यू एट द रेट ऑफ 40 इच, और यहाँ पर क्योंकि 2000 नंबर ऑफ शेयर है और एक शेयर पे 40 रुपीज अलॉटमेंट मिला है, यानी कि 40 × 2000 80,000 रुपीज हम यहाँ पर अमाउंट में लिखेंगे। फोर्थ एंट्री में हम देख रहे हैं कि रिसीव की अभी जो अलॉटमेंट ड्यू हुआ था उसको अब हमको रिसीव करना है, तो यहाँ हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और इसके लिए हम नरेशन लिखेंगे बैंक अलॉटमेंट मनी रिसीव फॉर 2000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹40 इच। तो ये जो 80,000 थर्ड एंट्री में 80,000 हमने डिबेंचर्स पे रिसीव किया था, 80,000 हमने डिबेंचर पे जो ड्यू की एंट्री की थी, अब उसके रिसीव की एंट्री भी हम 80,000 से ही यहाँ पर पास करेंगे। उसके बाद क्योंकि बोला है कि 100 में से 50 तो इसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे दे दिए हैं, अब बैलेंस अमाउंट जो बच रही है वो पूरी की पूरी अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिल जाएगी। तो 100 - 50 तो ₹50 जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ड्यू एंड रिसीव होगी। तो यहाँ पर हम ड्यू की एंट्री करेंगे 5% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 2000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹50 इच, और 1 lakh से हम इसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। उसके बाद लास्ट हमारी एंट्री जो होगी वो इस डिबेंचर के रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डिबेंचर अकाउंट, और यहाँ पर हम इसका नरेशन लिखेंगे बैंक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, और यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं ₹50 है 2000 शेयर्स पे, तो 1 lakh इसकी रिसीव की एंट्री होगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार एक कंपनी अपनी अतिरिक्त पूंजी की प्राप्ति ऋण पत्रों के द्वारा बहुत आसानी से कर सकती है। इनके ऋण पत्रों के निर्गमन के कुछ अपने अलग नियम कानून होते हैं, उनके आधार पर कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है और अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करती है। आगे आने वाले अध्याय में हम देखेंगे कि ऋण पत्रों के शोधन के संबंध में कौन कौन से नियम और शर्तों को कंपनी फॉलो करती है।